हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 5, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन का सॉल्यूशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फ्लोइंग ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको तीन पॉइंट गिवन है। पहला बता रखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000। सेकेंड में हमें बता रखा है ओपन अ बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ 4500। और थर्ड पॉइंट है परचेज गुड फ्रॉम सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। आपको इन्हीं तीनों ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। तो समझते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होगा। तो देखिए, इस तरीके का फॉर्मेट होगा। पहले आप लिखेंगे सीरियल नंबर, फिर पर्टिकुलर्स, इसके बाद आप लिखेंगे एसेट, इक्वल का साइन मेंशन करके लायबिलिटी प्लस कैपिटल आप मेंशन करेंगे। तो ये फॉर्मेट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। अब एसेट के अंदर में आपको एसेट लिखना है, जितने भी एसेट की बात हो रही होगी इन ट्रांजेक्शन में। लायबिलिटी के अंदर लायबिलिटी लिखनी है, कैपिटल तो हमारा कैपिटल होता ही है। इससे पहले मैं इसको डिटेल में समझा चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में। इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे आपको प्रॉपर ऑर्डर में इस चैप्टर की वीडियो अवेलेबल होंगी। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशन को। जैसा कि फॉर्मेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अब इस क्वेश्चन में जो एसेट्स की बात हो रही है वो है कैश, स्टॉक और हमारा बैंक। इन तीन एसेट की बात इस क्वेश्चन में हो रही है। लायबिलिटी में बात हो रही है क्रेडिटर की, कैपिटल तो हमारा कैपिटल होता ही है। तो देखिए, ये हमारा इस क्वेश्चन का टोटल फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है। अब आपको पहले ट्रांजैक्शन क्या गिवन है। पहले ट्रांजैक्शन में हमें गिवन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000। अब देखिए, जो भी आपको ट्रांजैक्शन गिवन होगी ना, उसका कम से कम दो जगह तो इम्पैक्ट होगा ही होगा। ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम दो जगह इम्पैक्ट होगा, ज्यादा भी हो सकता है। अब पहले ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद ₹45,000। अब देखिए, बिजनेस स्टार्ट किया गया है 45,000 से, तो बिजनेस के पास एक तो कैश इंक्रीज हो गया, दूसरा कैपिटल भी बिजनेस के पास इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे जहां पे कुछ नहीं आएगा वहां पे आपको जीरो मेंशन करना है। तो यहाँ पे स्टॉक, बैंक और क्रेडिटर में आपको जीरो मेंशन करना है। जैसा कि मैंने बताया कि इम्पैक्ट कम से कम दो जगह होगा, तो पहले ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट 45,000 कैश में होगा और कैपिटल में भी 45,000 आपको मेंशन करना है। इसके बाद आपको टोटल कर देना है, तो टोटल कैश में 45,000 आएगा, स्टॉक में जीरो आएगा, बैंक में भी जीरो आएगा, क्रेडिटर में भी जीरो आएगा और कैपिटल में हमारा 45,000 टोटल आएगा। अब करेंगे सेकंड ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन में है ओपन अ बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ ₹4,500। तो देखिए, बैंक अकाउंट ओपन करा है बिजनेस ने, ₹4,500 बैंक में जमा कराए हैं। अब जब ₹4,500 बैंक में जमा करा दिए तो कैश कम हो गया बिजनेस के पास से और हमारा बैंक में बैलेंस बढ़ गया। तो इसका इम्पैक्ट भी दो जगह होगा, एक तो कैश में से आपको ₹4,500 माइनस करने हैं, दूसरा बैंक में आपको ₹4,500 प्लस करने हैं। और जहां कुछ नहीं आएगा वहां पे आपको जीरो ही मेंशन करना है। अब इसको आपको टोटल करना है द्वारा, तो 45,000 में से 4500 जाएंगे तो ये आपके पास आएगा 40,500। स्ट्रोक में हमारा जीरो ही आएगा, बैंक में हमारा 4500 आएगा, उसके बाद लायबिलिटी में जीरो आएगा, कैपिटल में हमारा 45,000 आएगा। इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम सन एंड कंपनी ₹11,200। तो देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी पता नहीं चल रहा हमें कि कैश में खरीदे हैं कि उधार में खरीदे हैं। तभी जब भी आपको ट्रांजेक्शन पढ़ के ना पता चले कि गुड्स को कैश में परचेज किया गया है कि उधार में परचेज किया गया है, तो हम इसको ऑलरेडी हमें इसको ट्रीट करेंगे एज अ क्रेडिट, कि जो परचेज कर रहे हैं बिजनेस ने गुड्स सन एंड कंपनी से, वो उधार में परचेज करे हैं। तो उधार में परचेज करे हैं तो दो इम्पैक्ट होंगे। कैसे इम्पैक्ट होंगे, देखिए, गुड्स परचेज करे हैं तो एक तो हमारा पास स्टॉक इंक्रीज हो गया, एक क्या हो गया, स्टॉक इंक्रीज हो गया, तो स्टॉक में 11,200 प्लस कर दीजिए। दूसरा हमारे क्रेडिटर भी इंक्रीज होगा 11,200 से, तो क्रेडिटर में भी 11,200 प्लस कर दीजिए। जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं आया वहां पे जीरो मेंशन कीजिएगा। इसके बाद टोटल कीजिए तो 45,500 टोटल आएगा एसेट में, स्टॉक का टोटल है 11,200, बैंक का टोटल 4500 आएगा, लायबिलिटी का टोटल 11,200 आएगा और कैपिटल में हमारा आएगा 45,000। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे आपको चेक क्या करना है, आपको हमेशा ये चेक करना है कि आपके एसेट साइड का टोटल जो है 40,500, 11,200 और 4500 है, और लायबिलिटी और कैपिटल को जोड़ के ये हमारा इक्वल आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया ना, एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो एसेट हमारी हमेशा इक्वल होनी चाहिए लायबिलिटी और कैपिटल के। तो यहाँ पे हमारी इक्वल है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।